अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, बुक कंप्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज स्ट्रेंथ, कि परसेंटेज स्ट्रेंथ होता क्या है और किस तरह से हम परसेंटेज स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वर्ड परसेंट दो पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट पार्ट है पर एंड सेकेंड पार्ट है सेंट। पर मीन्स इन और बाय और सेंट मीन्स 100। सेंट का वर्ड जहाँ कहीं भी यूज़ होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है 100। तो क्या मतलब हो गया परसेंट का, परसेंट का मतलब हो गया बाय दी 100 या इन दी 100। अब हमें परसेंट का मीनिंग तो पता चल गया कि परसेंट का मीनिंग क्या होता है। परसेंट का मीनिंग होता है बाय दी 100 या इन दी 100। ठीक है, अब हमें देखना है कि बाय दी 100 या इन दी 100 का क्या मतलब है। जब भी हम किसी चीज़ को, जिस चीज़ की हमने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, उसको हम 100 से कंपेयर करते हैं, यानी कि जो कि टोटल क्वांटिटी है वो हम 100 लेते हैं, और जिस चीज़ की क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है, जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है जिसकी क्वांटिटी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसको जब हम 100 से टोटल क्वांटिटी जो कि हमने 100 ली है उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम उस चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में टोटल 100 बॉल्स हैं। अब टोटल बॉल्स 100 हैं और हमने फाइंड आउट करना है कि इस टोटल 100 बॉल्स में से पर्पल बॉल्स की परसेंटेज कितनी है और येलो बॉल्स की परसेंटेज कितनी है। पर्पल बॉल्स की परसेंटेज कितनी है, इसको हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50. टोटल 100 बॉल्स में से पर्पल बॉल्स की क्वांटिटी कितनी है 50। 100 से कंपेयर कर रहे हैं, ये 100 में से देख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज, ठीक है, 50%। ठीक है, ये होता है परसेंटेज का साइन। इसी तरह से अब हम येलो बॉल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50. तो टोटल 100 में से येलो बॉल्स की भी क्वांटिटी कितनी है 50। तो येलो बॉल्स की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 50%। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 50/100। 100 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम टोटल क्वांटिटी क्या ले रहे हैं, 100। तो जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाएगा और 100 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से येलो बॉल को 50/100, ठीक है, परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाएगा। और परसेंटेज में एक और चीज़ हमेशा याद रखें कि परसेंटेज में हमेशा डिनोमिनेटर 100 रहता है, ठीक है, नोमिनेटर चेंज होते रहते हैं लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 100। ये तो था परसेंटेज स्ट्रेंथ, कि परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ का फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में क्या रोल है। तो होता क्या है कि समटाइम फार्मासिस्ट को बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर हम परसेंटेज स्ट्रेंथ को फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन क्यों ले रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी क्यों नहीं ले रहे। इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब भी हम मिक्सचर की बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर की बात करते हैं, तो हम इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन लेते हैं, ना कि इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का तो आपको पता ही होगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है, चले मैं आपको बता देती हूँ कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट या सॉल्यूट ओवर टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। यानी कि जिस इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी होती है उसकी अमाउंट या क्वांटिटी को जब हम टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उस इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये था कंसंट्रेशन का फार्मूला और कंसंट्रेशन की डेफिनेशन। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास NaCl है 50 ग्राम और सॉल्वेंट हमारे पास है 100 ml।
और हमने फाइंड आउट करनी है NaCl की कंसंट्रेशन। 50 ग्राम NaCl की क्वांटिटी है। अब इसको हम यूज़ करेंगे NaCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने में। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ NaCl क्या है? 50 ग्राम। 50 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे टोटल सॉल्वेंट की क्वांटिटी से, वो क्या है? 100 ml। तो हमारे पास NaCl की कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.5 ग्राम पर ml। ये हमारे पास आ जाएगी NaCl की कंसंट्रेशन। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन की परसेंटेज को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है: परसेंट वेट इन वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम इन वॉल्यूम एंड परसेंट वेट इन वेट। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका हम वेट मेजर करते हैं, और इसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं ग्राम या केजी, ठीक है। और जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, और इसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं ml या लीटर। अब यहाँ पे परसेंट वेट इन वॉल्यूम का क्या मतलब है? परसेंट मीन कि जो टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम या वेट है वो क्या है? 100। परसेंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। परसेंट का मतलब यही होता है कि जो टोटल क्वांटिटी होती है वो हम 100 लेते हैं, और फिर जिस चीज़ की हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है हम उसको उस टोटल 100 की क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं कि इस चीज़ की क्वांटिटी टोटल 100 में से कितनी है, तो हमारे पास उस चीज़ की परसेंटेज आ जाती है। तो यहाँ पे भी परसेंट का क्या मतलब है? परसेंट का मतलब है 100। टोटल जो मिक्सर का वॉल्यूम या वेट है, टोटल मिक्सर की क्वांटिटी है, वो क्या है? 100 है। और वेट इन वॉल्यूम का क्या मतलब है? वेट का हमने अभी पढ़ा कि जब इंग्रेडिएंट सॉलिड होगा तो उसका हम वेट मेजर करते हैं, उसको हम वेट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेट है तो ये क्या है? सॉलिड। और ये वॉल्यूम है तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? लिक्विड। क्योंकि हमें पता है कि जब इंग्रेडिएंट लिक्विड हो तो उसका हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, ठीक है। हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो हम उसको लिखेंगे वेट इन वॉल्यूम, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, क्योंकि हमें पता है कि जिस चीज़ को हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ में डिसॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसमें सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे वेट इन वॉल्यूम। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद हमने टोटल वॉल्यूम मेकअप कितना करना है? 100, ठीक है। तो लिक्विड के साथ हम टोटल वॉल्यूम मेकअप कर रहे हैं 100। तो जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस सूरत में कंसंट्रेशन की परसेंटेज को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे: परसेंट वेट इन वॉल्यूम, ठीक है। और परसेंटेज कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हुए जो सॉल्वेंट होता है उसको हम हमेशा फ्रैक्शन के नीचे लिखते हैं, और जो सॉल्यूट होता है उसको हम फ्रैक्शन से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड है तो उसका हम वेट मेजर करते हैं तो हम लिखते हैं वेट, और सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसका हम वॉल्यूम मेजर करते हैं तो उसको हम लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, वेट इन वॉल्यूम। नेक्स्ट है परसेंट वॉल्यूम इन वॉल्यूम, ठीक है। परसेंट मीन वही जो टोटल मिक्सचर का वेट या वॉल्यूम है वो 100 है, ठीक है। वॉल्यूम इन वॉल्यूम मीन कि जो सॉल्यूट है वो भी अब लिक्विड है क्योंकि हम वॉल्यूम ले रहे हैं, और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। तो इसका क्या मतलब हो गया? जब हम किसी लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो सूरत में परसेंटेज कंसंट्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं: परसेंट वॉल्यूम इन वॉल्यूम, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट। नेक्स्ट है परसेंट वेट इन वेट, इसका क्या मतलब है? परसेंट मीन वही कि टोटल जो क्वांटिटी है वो है 100, ठीक है, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, और इसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करने के बाद हम टोटल वॉल्यूम मेकअप भी सॉलिड के साथ ही कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम मेकअप जो कि 100 है वो भी हम सॉलिड के साथ ही कर रहे हैं। इसमें दोनों सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो इसको हम लिखेंगे परसेंट वेट इन वेट, ठीक है। यानी कि जब हम किसी सॉलिड को सॉलिड में हल करते हैं तब परसेंटेज कंसंट्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं: परसेंट वेट इन वेट, ठीक है।
ये तो था डिफरेंट परसेंटेज कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब हम इन डिफरेंट परसेंटेज कंसंट्रेशन को सेपरेट सेपरेट एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले है परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम। परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड में हो तो हम यूज़ करते हैं परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम को, टोटल प्रिपरेशन का जितना वॉल्यूम होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के साथ। एक्सप्रेस टेस्ट डेसिमल का क्या मीन है कि परसेंटेज को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, तो इसलिए इधर लिखा हुआ एक्सप्रेस टेस्ट डेसिमल, हम परसेंटेज को हम डेसिमल में लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा हुआ है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4000 ml ऑफ अ 5% सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की परसेंटेज कितनी है 5% मीन 5/100। ठीक है, ये सोल्यूशन की परसेंटेज है। 5% का क्या मीनिंग है कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज कितने ml में है 100 ml में। ठीक है, और हमने टोटल सोल्यूशन कितना तैयार करना है 4000 ml, तो उसके लिए हमें डेक्सट्रोज कितने ग्राम चाहिए वो हमने फाइंड आउट करनी है। अभी हमने फार्मूला देखा कि जब हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इधर भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, 5000 ml सॉल्यूशन के लिए हम डेक्सट्रोज की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम 5% को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.05, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। ठीक है, अब हम लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो हमने प्रिपेयर करना है वॉल्यूम को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में। उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो गया 4000 ग्राम मल्टीप्लाई परसेंटेज इन डेसिमल, ये लिखा हुआ है परसेंटेज एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल, तो हमने भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200 ग्राम। ये आ गया हमारे पास डेक्सट्रोज की क्वांटिटी जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी 4000 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो इस तरह से जब हमें टोटल वॉल्यूम दिया होगा प्रिपरेशन का और परसेंटेज दी होगी तो हम इजीली सॉल्यूट की क्वांटिटी इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इधर उन्होंने डायमेंशन एनालिसिस से भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक, इसके अलावा हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5 ग्राम 100 ml में है, 5% है ना, तो 5 ग्राम कितने में है 100 ml में, और टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 4000 ml, हमने फाइंड आउट करनी है डेक्सट्रोज की क्वांटिटी। ठीक है, वो हम ले लेंगे x, 4000 ml के लिए डेक्सट्रोज की कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 100 इज इक्वल टू 5 × 4000 के x इज इक्वल टू 5 × 4000, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 200 ग्राम। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। ये था परसेंट वेट इन वॉल्यूम। नेक्स्ट परसेंटेज एक्सप्रेशन है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इसमें जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ लिक्विफाइड फिनॉल शुड बी यूज्ड इन कंपाउंडिंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में अब उन्होंने हमें परसेंटेज दी हुई है, फिनॉल की परसेंटेज कितनी है 2.5%, और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना करना है हमने 240 ml, 2.5% मीन 2.5 × 100 ml, यानी कि 2.5 ml फिनॉल कितने ml में, 100 ml में है। हमने कितना करना है टोटल वॉल्यूम 240 ml। उसके लिए भी सेम वही फार्मूला यूज़ होगा जो हमने ऊपर यूज़ किया है कि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम प्रिपरेशन का दिया हुआ है जितनी हमने प्रिपेयर करनी है, और हमें परसेंटेज दी हुई है जो कि हम डेसिमल में निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम वॉल्यूम ml में ही लेंगे क्योंकि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, टोटल वॉल्यूम भी है और परसेंटेज भी है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि कितने ml सॉल्यूट हमें चाहिए टोटल 240 ml सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाएंगे, 240 ml इंटू परसेंटेज को हमने डेसिमल में निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा 6 ml, यानी कि 6 ml हमें फिनॉल चाहिए 240 ml
सॉल्यूशन तैयार करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसी फार्मूले से हम बाकी दो चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कि जैसे अगर हमें सॉल्यूट की क्वांटिटी दी हुई हो और वॉल्यूम पता हो तो हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इसी तरह से अगर हमें परसेंटेज दी हुई है और सॉल्यूट की क्वांटिटी दी हुई है तो हम टोटल वॉल्यूम प्रिपरेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें दो चीज़ें दी हुई हैं इस फार्मूले में तो हम तीसरी चीज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज एक्सप्रेशन है हमारे पास परसेंटेज वेट इन वेट। वेट इन वेट का क्या मतलब है, इसमें जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है, इसलिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट ले रहे हैं। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फिनॉल शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 240 ग्राम ऑफ अ 5% वेट इन वेट सॉल्यूशन इन वाटर। यानी कि अब हमें फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, हमें परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, और टोटल प्रिपरेशन का वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि है 240 ग्राम, और हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है 240 ग्राम प्रिपरेशन प्रिपेयर करने के लिए। 5% मीन 5 ग्राम इन 100 ग्राम, तो हमें टोटल प्रिपरेशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 240 ग्राम। तो 240 ग्राम के लिए हमें कितना फिनॉल रिक्वायर्ड होगा, कितना फिनॉल चाहिए वो हमने फाइंड आउट करना है। टोटल सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, टोटल सॉल्यूशन वेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम परसेंटेज के साथ जो कि हम डेसिमल में निकालेंगे, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम को भी हम ग्राम में लिखेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी आ जाएगी जो कितनी आई है 12 ग्राम। यानी कि 12 ग्राम फिनॉल हमें चाहिए टोटल 240 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो ये था हमारे पास परसेंटेज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशियो स्ट्रेंथ।